जादुई तीन अनोखा लहंगा। मधेपुर गांव के एक छोटे से गांव में सारिका अपनी बेटी दिव्या के साथ रहती थी। सारिका अपनी बेटी को बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी। वो अपनी बेटी की हर ख्वाहिश को पूरा करने की पूरी कोशिश करती थी। सारिका के पति दिनेश के गुजर जाने के बाद भी उसने कभी दिव्या को किसी भी चीज की कोई कमी महसूस नहीं होने दी। वो दिव्या की सारी ख्वाहिशों को पूरा करती थी। दिव्या की स्कूल की पढ़ाई अब पूरी हो चुकी थी, इसलिए आगे की पढ़ाई के लिए सारिका ने अपनी बेटी का दाखिला शहर के सबसे अच्छे और महंगे कॉलेज में करवाया। सारिका एक दर्जी थी, सिलाई उसकी कमाई का एकमात्र जरिया था। उसी से वो अपनी बेटी की सारी ख्वाहिशें पूरी करने की कोशिश करती थी। एक बार दिव्या कॉलेज की छुट्टी बिताने घर आई। माँ, अगले महीने से मेरा एग्जाम शुरू होने वाला है, तो अब से मैं आपसे मिलने नहीं आ पाऊंगी। मैं अब वही हॉस्टल में रहकर अपनी पढ़ाई पूरी करूंगी। अब से आप अपना ध्यान रखना और मेरी ज्यादा फिक्र मत करना। तेरी फिक्र तो बेटा मुझे हमेशा ही लगे रहती है। पता नहीं वहाँ हॉस्टल में समय से तुझे हर चीज मिल पाता भी है या नहीं। वहाँ हर चीज टाइम से मिल जाता है माँ, आप ज्यादा फिक्र मत करो। और हाँ, आप मुझे ये कुर्तियाँ सिलकर मत भेजा करो। शहर में इसे देखकर सब मेरा बहुत मजाक उड़ाते हैं। वहाँ तो वेस्टर्न कपड़े चलते हैं, तो आप मुझे कुछ पैसे भिजवा देना, मैं खुद ही खरीद लूँगी। वेस्टर्न? वो क्या होता है भला? जो भी हो तो चिंता मत कर बेटी, मैं तेरे जाते ही डाक बाबू से बोलकर मनी ऑर्डर भिजवा दूंगी। तुम पढ़ाई पर ध्यान दो, ठीक है बेटी? अपना ध्यान रखना। दिव्या के जाने के बाद सारिका अपने सिलाई के कामों में लग जाती है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। 2 महीने बीत चुके थे, लेकिन दिव्या इस बार अपनी माँ से मिलने घर नहीं आई। सारिका को दिव्या की बहुत ही फिक्र हो रही थी, इसलिए वो उससे मिलने शहर उसके कॉलेज में चली गई। दिव्या अपने कुछ सहेलियों के साथ पार्क में बैठी थी। उसने जैसे ही अपनी माँ को कॉलेज के ग्राउंड में आते देखा, वो जल्दी से वहाँ से उठकर अपनी माँ के पास आकर बोली, ये सब क्या है माँ? आखिर आप यहाँ क्यों आई हो? यहाँ से बाहर चलो, मैं यह सबके सामने ऐसे आपसे बात नहीं कर सकती। आखिर ऐसा क्यों बेटा? यहाँ क्या दिक्कत है? आखिर मैं भी तो देखूं मेरी बेटी कहाँ रहती है, कहाँ पढ़ती है, उसके दोस्त लोग कैसे हैं। माँ, इस तरह सबके सामने आकर क्यों मेरी बेइज्जती करवाना चाहती हो? आप देख रही हो ना, यहाँ सब अच्छे घर से हैं और सबके मॉम डैड यहाँ कार से मिलने आते हैं। अगर आप सबके सामने ऐसे फटे पुराने कपड़ों में आ गई, तो सब लोग मेरा बहुत मजाक उड़ाएंगी। प्लीज माँ, आप बुरा मत मानो, लेकिन प्लीज अभी घर चले जाओ। जैसे ही मेरी छुट्टी होती है मैं आपसे मिलने घर आती हूँ, अब जाओ भी। ये सुनकर सारिका को बहुत ही दुख होता है और वो अपने घर लौट जाती है। इधर दिव्या की फ्रेंड उसे पूछती है, हे दिव्या, वो फटे पुराने कपड़ों वाली औरत कौन थी और तुम उसे क्या बातें कर रही थी? कहीं वो तुम्हारी माँ तो नहीं थी? नहीं नहीं, अरे वो तो रास्ता भूल गई थी और गलती से इधर आ गई थी, इसलिए मैं उन्हें रास्ता बता रही थी। मेरी माँ तो इन जैसी को घर में घुसने भी ना दे, और तुम इन्हें मेरी माँ बता रही हो। ओह सॉरी दिव्या, लेकिन उसे देखकर मुझे उनके लिए बहुत ही दुख हो रहा था। वो तुमसे कितने प्यार से बातें कर रही थी, जैसे कि तुम उनकी अपनी ही बेटी हो। शायद लगता है उनका कोई बच्चा नहीं होगा, तभी तो बेचारे अकेले सड़कों पर इधर उधर भटक रही है। अच्छा दिव्या, अब मैं चलती हूँ। आज मेरी मॉम कनाडा से मेरे लिए गोल्डन वॉच और बहुत सारे गिफ्ट लेकर आई हैं। मैं जा रही हूँ, बाय बाय। बाय राधिका। इधर सारिका घर आकर अपने पति के तस्वीर के आगे खूब रोती है। देख रहे हो ना जी, अपनी लाडली को। आपके जाने के बाद भी मैंने कभी उसे किसी चीज की कोई कमी महसूस नहीं होने दी, और आज आपकी उसी लाडली को सबके सामने मुझे माँ कहने में भी शर्म आ रही है। अगर आज आप जिंदा होते तो मुझे ये दिन कभी नहीं देखना पड़ता। अगले दिन कॉलेज में शगुन दिव्या से कहती है, दिव्या मेरी शादी फिक्स हो गई है और तुम सबको मेरे सारे फंक्शन अटेंड करने ही होंगे। क्यों नहीं, जरूर अटेंड करूंगी तुम्हारे सारे फंक्शन, आखिर मेरे बेस्ट फ्रेंड की शादी जो है। ठीक है ठीक है, 2 दिन बाद ही मेरी हल्दी है, फिर मेहंदी और फिर शादी। और हाँ, तीनों फंक्शन में मेरी सारी सहेलियों को अलग अलग लहंगा पहन कर आना है, हल्दी पर पीला और मेहंदी पर हरा, और शादी वाले दिन तो सभी को ही रेड कलर का लहंगा पहन कर आना है। तो रेडी हो ना सब?
सभी सहेलियां हाँ में हाँ मिलाती है। लेकिन ये सब सुनने के बाद दिव्या लहंगों को लेकर थोड़ा सोच में पड़ जाती है। घर आने के बाद दिव्या परेशान होकर घर में इधर से उधर चल रही थी। उसे देखकर उसकी माँ बोली, क्या हुआ बेटी, तुम इतनी परेशान क्यों हो? मैं काफी देर से देख रही हूँ, जब से तुम शहर से आई हो परेशान हो, क्या बात है? माँ, मेरी सहेली शगुन की शादी है और उसके शादी के तीनों फंक्शन में तीन अलग अलग रंग के लहंगे पहनकर जाना होगा। लेकिन तीन क्या, मेरे पास तो एक भी लहंगे नहीं है। मैं सोच रही हूँ कि मैं शादी में कैसे जाऊँ, मेरी माँ तो मुझे एक लहंगा तक नहीं दिला सकती। राधिका और शगुन कितनी खुशकिस्मत है, वो जो चाहती है उन्हें सब मिल जाता है और एक मेरी किस्मत है। दिव्या की बातें सुनकर सारिका को बहुत ही बुरा लगता है। नहीं नहीं मेरी बेटी, ऐसा नहीं कहते, मैं तुम्हारे लिए तीन लहंगे बना दूंगी, बस तुम मुझे दो दिन का समय दो। ठीक है, देती हूँ समय, लेकिन मुझे परसों ही लहंगा चाहिए क्योंकि परसों से ही फंक्शन स्टार्ट है। सारिका बहुत ही दुविधा में पड़ जाती है क्योंकि उसके पास तो इतने पैसे भी नहीं थे जिससे वो दिव्या के लिए कपड़ा लाकर खुद ही लहंगा सिल सके। वो फिर बहुत ही ज्यादा दुखी मन से अपने पति के तस्वीर के आगे बैठकर बोलती है, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है कि मैं अपनी बेटी के लिए तीन अलग अलग लहंगे ले पाऊँ। अब मैं क्या करूँ जी, अब मैं कैसे आपकी लाडली की जिद को पूरा करूँ? अब आप ही मुझे कोई रास्ता दिखाएंगे। इतना बोलकर सारिका वहीं सोचते सोचते सो जाती है। तभी उसके सपनों में उसके पति आकर बोलते हैं, सारिका तुम्हें अब चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरी अलमारी को खोलकर देखो, उसके अंदर तुम्हें तीन जादुई लहंगे मिलेंगे। यह लहंगे मेरे अच्छे कर्मों की वजह से मुझे जादूगरनी ने उपहार में दिया था और यह कहा था सही वक्त आने पर ही मैं इस लहंगे के बारे में तुम्हें बताऊं, और लगता है कि सही वक्त आ गया है। तभी सारिका की नींद अचानक खुल जाती है और वो फौरन अलमारी को जाकर खोलती है। वहाँ उसे तीन जादुई लहंगे मिलते हैं। वो तीनों लहंगे पीले रंग के थे। ये देखकर वो अपनी बेटी को अपने पास बुलाती है। दिव्या जैसे ही अपनी माँ के पास आती है तो वो देखती है कि उसकी माँ के हाथ में तीन लहंगे हैं, जो पीले रंग का है। देख बेटा, तेरे तीन लहंगे का इंतजाम हो गया, अब तो तू खुश है ना? क्या माँ, जब लाना ही था तो तीन अलग अलग रंग के लहंगे लाते ना, ये एक जैसे लहंगों का मैं क्या करूँगी? मैंने आपसे कहा था ना, तीन अलग अलग फंक्शन में अलग अलग लहंगे पहनने हैं, ये सब तो पीला है, लाल और हरा लहंगा कहाँ है? तभी एक चमत्कार हुआ और दूसरा लहंगा हरा और तीसरा लहंगा लाल रंग में बदल गया। ये देखकर दिव्या की आंखें फटी की फटी रह गई। वाह माँ, ये लहंगे तो जादुई हैं। आपको ये कहाँ से मिले? ये लहंगा तेरे पिताजी ने खास तेरे लिए संभाल कर रखा था, अब तू जा और लहंगा पहनकर तैयार हो जा। उसके बाद दिव्या खुशी खुशी अपना पीला लहंगा पहनकर शगुन के हल्दी के रस्म में जाती है। लहंगा पहनकर दिव्या बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही थी। फंक्शन में सबकी नज़र दिव्या पर ही थी। ये देखकर दिव्या को बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही थी। वैसे ही मेहंदी वाले दिन भी दिव्या अपना जादुई हरा लहंगा पहनकर जाती है। अरे ये देखो, आ गई इस फंक्शन की असली जान। अरे दिव्या, तू तो इन लहंगों में सबसे अलग लग रही है, हल्दी के फंक्शन में भी सब तुम्हें ही देख रहे थे और आज भी सब दुल्हन को छोड़ तेरे आने के इंतजार कर रहे थे, बहुत ही अच्छी लग रही हो तुम। थैंक यू राधिका, वैसे ये लहंगा तुमने कहाँ से लिया? ये लहंगा तो मुझे मेरी माँ ने दिलाया है। तभी उधर से शगुन भी आ जाती है और दिव्या से बोलती है, तुम बहुत ही खुशनसीब हो दिव्या, जो तुम्हें इतनी प्यारी माँ मिली है, जो तुम्हारे हर खुशी का ख्याल रखती है। लेकिन मेरी माँ को देखो, आज उसकी बेटी की हल्दी है लेकिन आज भी उन्हें काम से छुट्टी नहीं है कि मेरी मेहंदी में आ सके। तुम बहुत ही खुशनसीब हो दिव्या, जो तुम्हें इतनी प्यारी माँ मिली है, जो तुम्हारे हर खुशी का ख्याल रखती है। लेकिन मेरी माँ को देखो, आज उसकी बेटी की शादी है लेकिन आज भी उन्हें काम से छुट्टी नहीं है कि मेरी शादी में आ सके। उन्होंने मुझे हर चीज दी, जो मांगा सब दिया, लेकिन उन्होंने कभी भी मुझे अपना प्यार और समय नहीं दिया। उनके प्यार की कमी मेरी जिंदगी में हमेशा से ही रही है। बट यू आर सो लकी दिव्या। शगुन की ये बातें सुनकर दिव्या को अपनी माँ के प्यार का एहसास होता है। फंक्शन खत्म होने के बाद घर जाकर दिव्या अपनी माँ से बोलती है, माँ आप बहुत ही अच्छी हो,
मुझे माफ कर दो माँ, मुझे आपके दर्जी और गरीब होने पर मैंने हमेशा खुद को छोटा माना है, लेकिन मैं तो बहुत ही अमीर हूँ क्योंकि मेरे पास आप जैसी माँ की दौलत है। क्या हुआ पागल, आज किसी ने कुछ कहा क्या तुमसे? नहीं माँ, पिता के गुजर जाने के बाद भी आपने बचपन से ही हमेशा मेरे सामने मेरी ढाल बनकर खड़े रहे, मेरी सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए दिन रात एक कर दिए। और बदले में मैंने क्या किया? खुद के बड़े होते ही आपको माँ कहने में भी खुद को शर्मिंदगी महसूस की। प्लीज मुझे माफ कर दो माँ, अब आप कल मेरे साथ शगुन की शादी में चलोगे? नहीं बेटी, मेरे पास एक भी अच्छी साड़ी नहीं है पहनने को। तुम वहाँ इतनी सुंदर लगोगी और मैं वहाँ तुम्हारे साथ चलूंगी तो अच्छा नहीं लगेगा, तुम अकेली ही चली जाना। ये आप कैसी बातें कर रही हो माँ, आप तो मेरी माँ हो और आप मुझे हर रूप में स्वीकार हो। आपको कल मेरे साथ चलना है, और हाँ, कल मैं आपको अपने सारी सहेलियों से भी मिलवाना चाहती हूँ। अगले दिन शगुन की शादी में जाने के लिए दिव्या लाल रंग का लहंगा पहनकर बिल्कुल तैयार थी। उसकी माँ भी साफ सुथरा कपड़ा पहनकर तैयार थी। माँ को देखकर दिव्या कहती है, मुझे गर्व है कि आप मेरी माँ हो और मैं आपकी बेटी हूँ। मुझे तो आप इन कपड़ों में भी किसी स्वर्ग की अप्सरा से कम नहीं लग रही हो माँ। दिव्या के इतना कहते ही उनकी माँ बहुत ही खूबसूरत महिला में बदल जाती है। ये देखकर सारिका भी बहुत ज्यादा हैरान होती है। मैं कोई सपना तो नहीं देख रही बेटी? नहीं माँ, ये हकीकत है। क्या भूल गई? ये लहंगा सुंदर होने के साथ साथ जादुई भी है। अब चलो। उसके बाद दिव्या अपनी माँ सारिका के साथ अपनी सहेली शगुन की शादी में आती है और सबसे अपनी माँ को मिलवाती है। दोस्तों, आज मैं आप सबको अपनी माँ से मिलवाना चाहती हूँ। ये मेरी माँ है और इन्होंने ही मुझे बचपन से पाल पोस कर इस लायक बनाया है। और हाँ, मेरी माँ ने ये सब खुद के दम पर सिलाई करके किया है। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई आंटी, काश मेरी माँ भी आप जैसी होती। दिल छोटा मत करो शगुन, जैसे मेरे लिए दिव्या मेरी बेटी है वैसे ही तुम सब भी हो। शादी में तुम्हारी माँ नहीं आई तो क्या हुआ, मैं हूँ ना। और फिर इसी तरह सभी खुशी खुशी शगुन की शादी एंजॉय करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल चंदा टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से कर ले, ताकि आपको ऐसी ही और नई मजेदार कहानी देखने को मिलती रहे। बाय बाय दोस्तों।